हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रामचंद। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक विषय पर बात करेंगे। तो जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कुल कितने भेद होते हैं और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कारक क्या होता है। तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताया जाए उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, और सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इन रूपों से, यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य में जो भी शब्द के साथ उनका संबंध बताया जाए उसे कारक कहते हैं। तो अब जानते हैं कि कारक जो होते हैं उसके प्रकार यानी भेद कितने होते हैं। तो कारक के जो हिंदी में कुल भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और अपादान कारक। तो इस तरह से जो कारक हुए वो 8 कारक होते हैं। अब जानते हैं कि कारक, कर्ता कारक जो है वो क्या होता है। तो कर्ता कारक मतलब जो वाक्य में जो शब्द कार्य करने वाले के अर्थ में आता है, यानी जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है, यानी जो विभक्ति चिन्ह इसका लगता है जिसको हम पहचानते हैं, पहचान कर सकते हैं, तो विभक्ति चिन्ह जो इसका है कर्ता कारक का वो ने है। और विभक्ति चिन्ह को इसको दूसरे शब्दों में परसर्ग भी कहा जाता है। कभी कभी विभक्ति चिन्ह न देकर परसर्ग भी दे दिया जाता है, तो विभक्ति चिन्ह को दूसरे शब्दों में परसर्ग भी कहते हैं। और कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? तो ने है। अब जानते हैं कि जो कर्ता कारक है इसको जो है दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो एक अप्रत्यय कर्ता कारक, दूसरा जो है संप्रत्यय कर्ता कारक। इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। तो अप्रत्यय कर्ता कारक क्या होता है? यानी कि जिसमें विभक्ति चिन्ह का अभाव होता है, यानी विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग जिसमें नहीं दिखाई देता उसे अप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। संप्रत्यय कर्ता कारक जिसमें विभक्ति होता है, जिसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वह संप्रत्यय यानी साथ साथ जिसमें प्रयोग होता है तो उसे संप्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। अप्रत्यय कर्ता कारक जैसे उदाहरण में देखते हैं, विभक्ति चिन्ह का अभाव होता है मतलब मोहन खाता है, तो इसका जो चिन्ह है ने है, तो इसमें मोहन खाता में ने जो चिन्ह है इसका अभाव इसमें प्रयोग नहीं किया गया, तो फिर भी क्या है? मोहन खाता, क्योंकि मोहन जो है कार्य कर रहा है, तो वाक्य में जो भी शब्द कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो मोहन खाता ये भी क्या है? कर्ता कारक है, लेकिन इसमें चिन्ह तो नहीं दिया गया है, ये अप्रत्यय कर्ता कारक हुआ। संप्रत्यय कर्ता कारक जिसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, जिसको हम आसानी से पहचान जाते हैं कि हाँ ये कर्ता कारक है। तो जैसे राम ने पानी पिया, तो ने इसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो इस तरह से आसानी से पहचाना जा सकता है। अब बात करते हैं कर्ता कारक हुआ, अब देखते हैं कि जो अप्रत्यय कर्ता कारक है इसे प्रधान कर्ता कारक भी कहते हैं। किसको? तो अप्रत्यय कर्ता कारक को प्रधान कर्ता कारक कहते हैं। इसमें जो होता है प्रधान कर्ता कारक में क्या होता है कि क्रिया जो है लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के अनुसार कार्य करता है। यानी जैसा लिंग रहेगा, वचन रहेगा, पुरुष रहेगा, उस तरह से जो है कर्ता अपना कार्य करेगी। जैसे मोहन खाता है, तो मोहन क्या है? लिंग क्या है? पुल्लिंग है। तो जो उसमें क्रिया उसी के अनुसार काम करेगी। आगे देखते हैं जो संप्रत्यय कर्ता कारक जो होता है उसे अप्रधान कर्ता कारक भी कहते हैं। यानी यह प्रधान पूर्ण तरह से नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है कि क्रिया जो है, जिसमें क्रिया है लिंग, वचन, पुरुष, कर्म के अनुसार होता है, इसमें कर्ता के अनुसार नहीं होता है। जैसे राम ने पानी पिया, तो इसमें जो कर्म देखा जा रहा है, पानी क्या है? कर्म हुआ, तो इसमें पानी के अनुसार जो क्रिया का इसमें लिंग, वचन, पुरुष जो तय करेगी। अब बात करते हैं कि अप्रत्यय संप्रत्यय कर्ता कारक हुआ। अब बात करते हैं कि जो ने विभक्ति चिन्ह है कर्ता कारक का, ने विभक्ति चिन्ह इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे होता है इसको जानते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि जब क्रिया सकर्मक तथा सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत और हेतु हेतुमद्भूत और संदिग्ध भूतकाल हो और कृतवाच हो, तब क्या होता है? ने का प्रयोग होता है। यानी मोटा मोटी हम जान सकते हैं कि जो कर्ता कारक का जो ने विभक्ति चिन्ह है ये भूतकाल क्रियाओं के साथ प्रयोग होता है और यह कृतवाच में भी प्रयोग किया जाता है। कृतवाच जिसमें कर्ता जिसमें प्रधान हो, ठीक है, जैसे मोहन पानी पीता है, मोहन खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, तो इसमें प्रधान हुआ, तो इस तरह से कृतवाच हो तो इसमें ने का प्रयोग होता है और यह भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। भूतकाल में जैसे सकर्मक क्रिया, भूतकाल में सामान्यभूत, आसन्नभूत, पूर्णभूत और हेतु हेतुभूत और संदिग्धभूत, इस तरह से जो भूतकाल होते हैं ये कुल 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो है 4 प्रकार के इस तरह से इसमें कार्य किया जाता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं कि राम ने रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाई ये कैसा, तो ये भूतकाल है, भूतकाल में प्रयोग किया जा रहा है ने का प्रयोग। राम ने रोटी खाई है ये भी भूतकाल का है, राम ने रोटी खाई थी, राम ने रोटी खाई होगी, इस जो है ने कब जिसमें प्रयोग किया ये सभी भूतकाल क्रियाओं के साथ प्रयोग हो रहा है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि केवल अपूर्ण भूत को छोड़कर, अपूर्ण भूत का जो छोड़कर शेष 5 भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। यानी कि जो भूतकाल होते 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन 5 भूतकालों में ने का प्रयोग होता है, केवल अपूर्ण जो भूत होता है, अपूर्ण भूतकाल, उसमें जो है ने का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस भूतकाल में जो है ने का प्रयोग नहीं होता है, तो अपूर्ण भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता है। बाकी जितने भी भूतकाल होते हैं, 5 होते हैं, उसमें सब में ने का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं ने का प्रयोग कि संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तथा अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। जैसे राम ने खा लिया, तो इस तरह से ये क्या है, तो ये सकर्मक है ना, राम ने खा लिया, क्या खा लिया? कुछ भी खा,
खा लिया, रोटी खा लिया, चावल खा लिया, दाल हो तो ये सकर्मक क्रिया हुआ। तो इस तरह सकर्मक क्रिया में भी जो संयुक्त क्रिया होती है उसमें ने का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं कि जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए, अकर्मक क्रिया भी क्या हो जाए सकर्मक बन जाए तो उसमें भी ने का प्रयोग होता है, जैसे उसने लड़ाई लड़ी। आगे देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकाल में ने का प्रयोग होता है, यानी प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ और अपूर्ण भूत को छोड़कर सब में जो है भूतकाल का ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने 5 रुपया दिलवाया, तो ये क्या है प्रेरणार्थक क्रिया है, किसी के द्वारा दिलवाया गया है, प्रेरणार्थक मतलब किसी के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, इसमें भी जो है ने का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखते हैं कर्ता कारक समझ में, अब देखते हैं कि कर्म कारक क्या होता है। तो कर्म कारक जानते हैं कि कर्म कारक किसे कहते हैं, तो वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में जो क्रिया का परिणाम है जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है यानी सर्ग जो होता है यह को होता है। आगे देखते हैं जैसे कि जब विशेषण संज्ञा के रूप में हो तो कर्म में को का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। जैसे विशेषण में जैसे बड़ों को पहले आदर दो, इसमें जो बड़ों शब्द दिया गया है ये क्या है विशेषण शब्द है ना, कि बड़ों को पहले आदर दो, तो इसमें क्या है कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें को का को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है और इसमें विशेषण संज्ञा का भी प्रयोग हुआ है, इस तरह से ये कर्म कारक हुआ। अब इसमें देखते हैं कि कर्म कारक में जो प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसे भागना, जगाना, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना शब्दों के साथ जो होता है को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आगे देखते हैं कर्ण कारक देखते हैं कि कर्ण कारक क्या होता है, तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, या माध्यम भी बोल सकते हैं क्रिया के साथ जिसका माध्यम बताया जाए, किसी के द्वारा कार्य किया जाए तो उसे कर्ण कारक भी कहते हैं। जैसे जब साधनभूत यानी माध्यम, जब साधनभूत जुड़ाव होता है तो उसे कर्ण कारक कहते हैं। जब उसमें साधन होना जरूरी होता है तो उसके साथ जुड़ा हो यानी संबंध हो तो उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें कोई एक माध्यम बताया जा रहा है, एक साधन बताया जा रहा है, तो इसमें जो साधन है वो क्या है कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी से जो है वृक्ष को काटा जा रहा है। जब तक ये साधन नहीं होगा तब तक कर्ण कारक का प्रयोग नहीं होता, और इसका जो चिन्ह होता है यानी परसर्ग होता है वो क्या होता है से होता है, इसका जो चिन्ह है कर्ण कारक का वो क्या है से है। आगे देखते हैं कि जो इसमें कर्ण कारक में जो होता है के जरिए भी प्रयोग किया जाता है, यानी अगर इसमें अगर कोई साधन या माध्यम ना दिया हो वाक्य में, तो अगर दिया हो द्वारा, किसी के द्वारा कार्य किया जाए, किसी के जरिए भी कार्य किया तो भी इसमें कर्ण कारक होगा। जैसे आगे देखते हैं कि पांव, कान, भूख, प्यासा, जाड़ा, आँख शब्द में एक वचन कर्ण कारक संप्रत्यय युक्त हो तो एक वचन का प्रयोग, और अप्रत्यय युक्त हो तो बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे वह प्यास से मर रहा है, वह प्यासों मर रहा है, तो इस तरह से ये भी क्या हो गया कर्ण कारक हुआ, वह प्यास से मर, वह किस कारण से मर रहा है, इसमें कारक माध्यम होना जरूरी है, तो वह किस कारण से मर रहा है, वह प्यास के कारण मर रहा है, और वह प्यासों मर रहा है, तो इसमें भी बताया जा रहा है कि कोई माध्यम है जिसके द्वारा वो कार्य हो रहा है। आगे देखते हैं कि जब अलगाव का प्रत्यय होता है तो उसमें अपादान कारक, ये अपादान कारक के बारे में बात है, तो अपादान कारक का हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह से जो करण कारक होता है इसका जो विभक्ति चिन्ह है परसर्ग है, इसमें भी से का प्रयोग किया जाता है, इसमें साधन होना जरूरी है, माध्यम होना जरूरी है, अगर उसमें साधन या माध्यम न दिया जाए, वाक्य में केवल द्वारा जरिए इस तरह शब्दों का भी प्रयोग किया जाए तो भी करण कारक होता है। अगर शारीरिक रूप से भी कुछ इसमें कुछ बातें किए जाए, एक वचन में बात की जाए तो भी ये करण कारक के रूप में प्रयोग होता है। अब बात करते हैं कि अब संप्रदान कारक देखते हैं कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं, तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं, यानी जिसके लिए हम कुछ कार्य करते हैं या किसी को हम कुछ देते हैं हमेशा के लिए, यानी कि दे करके फिर ले ले, तो हमेशा के लिए किसी को कुछ दे दिया जाए या किसी के लिए कुछ कार्य कर दिया जाए तो वहाँ पर ऐसे शब्दों का जहाँ भी बोध होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो देखते हैं कि संप्रदान कारक इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो को के लिए होता है, को और के लिए। आगे देखते हैं कि जो संप्रदान कारक होता है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, संप्रदान कारक अभी बात किया, जैसे के हित, के वास्ते, निमित्त, इस तरह से प्रयुक्त शब्दों का भी इसमें प्रयोग होता है, तो ये संप्रदान कारक होता है। आगे देखते हैं कि संप्रदान में जो है को के अव्यय के रूप में होता है, तो ये जो को के लिए ये कैसा शब्द होता है, तो ये अव्यय के रूप में प्रयुक्त है, को के लिए क्या है कैसा शब्द है तो एक अव्यय है। आगे देखते हैं जैसे राम मोहन को रुपये देता है, तो इसमें जो को लिखा है तो हम सोच भी सकते हैं कि को क्या है, जो है कर्म कारक में भी को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, तो लेकिन ये जो है कर्म कारक नहीं हुए, ये क्या है तो ये संप्रदान कारक, क्योंकि इसमें आप वाक्य में देखेंगे कि राम मोहन को रुपये देता है, तो इसमें कुछ देने के भाव में कार्य किया जा रहा है, तो जहाँ देने के भाव में कार्य किया जाए या कुछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा संप्रदान कारक होता है। आगे देखते हैं कि कर्म कारक में जो को का अर्थ के लिए संदर्भ में नहीं होता, राम मोहन को मारता है, तो अभी हमने बात किया कि इसमें भी को के लिए शब्द प्रयोग किया गया, तो इसमें क्या वाक्य है कि राम मोहन को मारता है, तो इसमें जो को शब्द है ये कर्म कारक हुआ, ये संप्रदान कारक नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कर्म पर प्रभाव पड़ा, यहाँ मोहन पर प्रभाव पड़ रहा है ना, इसलिए कर्म कारक हुआ, यहाँ पर संप्रदान कारक नहीं होगा। आगे देखते हैं
आगे बात करते हैं कि जो अपादान कारक अपादान अपादान कारक में देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव हमें प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक, यानी संज्ञा का जिस किसी वस्तु से अलगाव हो जाए तो उसे क्या होता है, तो अपादान कारक होता है। और इसमें भी जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है। एक करण कारक में भी से का प्रयोग होता है और इसमें अपादान कारक में भी से का प्रयोग होता है। तो अपादान कारक में भी क्या है, परसर, तो से विभक्ति चिन्ह है। आगे देखते हैं कि पृथक होने का बोध अतः विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे उदाहरण में देखिए कि जैसे लड़का पेड़ से गिरा, हिमालय से गंगा निकलती है, तो लड़का पेड़ पर था और वो पेड़ से नीचे गिर गया, तो वहाँ से चीज़ क्या हो गया, अलगाव हो गया, वो अलग हो गया पेड़ से, वो लड़का जो था वो अलग हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, अपादान कारक है, ये करण कारक नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई माध्यम जुड़ाव नहीं है, इसमें अलग होने का जो है भाव दर्शाया जा रहा है। तो लड़का पेड़ से गिरा तो लड़का जो है पेड़ से अलग हो गया, हिमालय गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से क्या निकल रही, गंगा निकल रही, यानी अलग हो रही हिमालय से, तो ये भी क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। आगे देखते हैं कि संबंध कारक क्या होता है। तो संबंध कारक क्या है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्द के साथ लगाव हो, संबंध प्रतीत हमें दिखाई दे, तो उस तरह से ये संबंध कारक, यानी किसी भी संज्ञा सर्वनाम से सर्वनाम के साथ वाक्य में क्या हो, लगाव दिखाई देता है या किसी के साथ संबंध बताया जाता है, तो उसे संबंध कारक कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण है, इसका पहले विभक्ति चिन्ह देखते हैं, यानी परसर। तो विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस तरह से इसमें संबंध कारक विभक्ति चिन्ह यानी परसर का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति के स्थान पर बहुधा वाला प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, जैसे चांद वाली थाली, राम वाला घर, जहाँ वाली वाला, इस तरह से भी प्रयोग हो तो भी क्या संबंध कारक होता है। आगे देखते हैं कि सर्वनाम की स्थिति में जो संबंध कारक के प्रत्यय रा, रे, री, ना, ने, नी का भी प्रयोग होता है, जैसे मेरा लड़का, तुम्हारा घर, मेरी पगड़ी, तो जिसमें इसमें देखते हैं कि रा, रे, री का प्रयोग होता है। ये भी का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस तरह से संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आसानी से समझा जा सकता है कि ये संबंध कारक है। आगे देखते हैं कि प्रायः मुहावरेदार प्रयोग का भी प्रयोग जब होता है वाक्य में तो भी संबंध कारक होता है, जैसे होली की होली, रात की रात, कान का कच्चा, ये क्या है, मुहावरा है ना, इस तरह से जहाँ मुहावरे का भी प्रयोग वाक्य में प्रयोग होता है तो ये संबंध कारक होता है। आगे देखते हैं कि संबंध अधिकार और देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक होता है, जैसे क्या, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, मोहन को बाल बच्चा नहीं, तो ब्राह्मण का यहाँ दक्षिणा से संबंध बताया जा रहा है कि ब्राह्मण को दक्षिणा, अब इसमें को का भी प्रयोग हुआ तो ये हम भूल भी सकते हैं कि कहीं कर्म कारक ना हो, लेकिन कर्म कारक नहीं है, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, यहाँ ब्राह्मण का जो संबंध है किससे, दक्षिणा, ब्राह्मण को दक्षिणा से संबंध बताया जाता है कि ब्राह्मण को क्या चाहिए, दक्षिणा चाहिए, तो यहाँ ब्राह्मण का संबंध किससे, दक्षिणा, तो यहाँ संबंध कारक हुआ ना कि कर्म कारक हुआ। मोहन को बाल बच्चा नहीं है तो इसमें मोहन का संबंध बताया कि मोहन के पास क्या है, बाल बच्चा नहीं है, तो मोहन को बाल बच्चा की जरूरत है, तो मोहन को बाल बच्चा नहीं है, तो इसमें मोहन का संबंध किससे, बाल बच्चे का प्रयोग से संबंध बताया जा रहा है, ये क्या है, संबंध कारक है। तो संबंध अधिकार देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक होता है। आगे देखते हैं कि अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्या है, क्रिया का आधार जहाँ बताया जाए और संज्ञा सर्वनाम का स्वरूप बताने वाले को अधिकरण कारक, यानी जहाँ क्रिया का आधार हो, क्रिया का आधार जी, क्रिया के द्वारा किस आधार पर कार्य कर रही है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, यानी क्रिया का आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम का स्वरूप बताने वाले को करण अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकरण कारक, यानी क्रिया का आधार, क्रिया का आधार का जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या होता है, में और पर, यानी क्रिया का किस आधार पर कार्य करिए, में पर पर कार्य करती है तो ये अधिकरण कारक होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे, नाव जल में तैरती है, तो नाव का आधार बताया जाए, नाव कहाँ तैर रही है, तो जल में तैर रही है, तो इस तरह से क्रिया का आधार किस पे है, तो में और पर पे है। आगे देखते हैं कि इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है विभक्ति चिन्ह नहीं दिखाई देता तो भी हम समझ सकते हैं कि क्रिया का आधार किस पे हो रहा है, जैसे लड़का दरवाजे पर घूम रहा है, लड़का दरवाजे घूम रहा है, तब जैसे हमने पर शब्द का प्रयोग कर दिया तो लड़का दरवाजे दरवाजे घूम रहा है, तो दरवाजे पर इसमें साइलेंट है, दिखाई नहीं दे रहा, तो लड़का दरवाजे दरवाजे घूम रहा है, तो लड़का दरवाजे दरवाजे पर घूम रहा है, तो इसमें भी क्या है, अधिकरण कार्य, यानी क्रिया का आधार बताया जा रहा है कि वो कहाँ घूम रहा है, तो दरवाजे दरवाजे से घूम रहा है। आगे देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से, संबोधन कारक देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने का, संकेत करने का भाव बताया जाता है या प्रकट होता है या बोध होता है, तो उसे संबोधन कारक, यानी किसी को पुकारने के लिए इंगित किया जाए, किसी को संकेत करने के लिए इंगित किया जाए, तो क्या होता है, संबोधन कारक होता है। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है यानी परसर्ग होता है वो क्या होता है, हे और अरे, क्या होता है, हे और अरे, इस तरह से इसे संबोधन कारक का ये चिन्ह होता है। विभक्ति चिन्ह हमने देखा हे और अरे, यानी हो भी हो सकता है, अजी अहो, इस तरह से इसमें जो है इसका प्रयोग होता है, जैसे हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो इसमें जो है कि इसमें आप देख रहे हैं, तो इसमें हे जो है हे शब्द का प्रयोग हुआ है, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें किसी को पुकारने के लिए, किसी को संकेत करने के लिए भाव दर्शाया जाता है, तो वो संबोधन कारक होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कारक विषय में जाना और भी कुछ ऐसे हिंदी व्याकरण में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।